हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज ईशा इमान. डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो. ओके, सो आज की वीडियो में जो है वो हम देखने वाले हैं कि अगर हमें रिकॉर्ड अपडेट करना है यूजिंग मोडाल, ठीक है, तो वो किस तरीके से होगा. रिमेम्बर कि हम जो है वो अपडेट वाला जो काम कर रहे हैं वो किसी फॉर्म के जरिए नहीं कर रहे, ठीक है. इसके अंदर जो है वो हम क्या यूज करेंगे, मोडाल यूज करेंगे. तो यहाँ से मैंने एक नया प्रोजेक्ट ले लिया है, इसका यहाँ पे मैंने नेम शिफ्ट कर दिया है मॉडल रिकॉर्ड अपडेट के नाम से. इसको मैंने यहाँ से नेक्स्ट किया, ठीक है. क्रिएट क्रिएट करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हमें ओपन करना है एसक्यूएल सर्वर को, ठीक है. देख लेते हैं. देखिए, हमारे पास ये देखिए नया प्रोजेक्ट बन चुका है, हमारी सारी फाइल्स आ चुकी हैं, ठीक है. यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा कोड फर्स्ट अप्रोच का स्टेप होगा. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे दो पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे ले लिया सबसे पहला तो एसक्यूएल सर्वर. ठीक है, यहाँ से हम क्या सिलेक्ट करेंगे, 6.0.15, यहाँ से इसको इंस्टॉल करें. ओके, एक्सेप्ट, ठीक है. उसके बाद हमारे पास कौन सा है, नेक्स्ट टूल्स का है. टूल्स का पैकेज मैंने यहाँ सेलेक्ट किया है, 6.0.15 इंस्टॉल. ओके, एक्सेप्ट, ठीक है. अच्छा, इसको इंस्टॉल करने के बाद अब हमें क्या करना है, यहाँ से पहले एक बार इसको बिल्ड कर दें कंट्रोल शिफ्ट बी से. उसके अलावा यहाँ से मैंने इसको कर दिया है कनेक्ट, ठीक है. और न्यू क्वेरी करके जो है वो यहाँ से हम लोग बनाने लगे हैं इसका जो है वो अपना डेटाबेस, ठीक है. क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का जो है वो कोई भी एक नाम इसको यहाँ पे असाइन कर दें, मॉडल रिकॉर्ड अपडेट डीबी के नाम पर, ठीक है. और इसको मैंने यहाँ से एग्जीक्यूट किया. एग्जीक्यूट करने के बाद इसका जो थर्ड स्टेप है वो मेरे पास क्या है, यहाँ पे ऐप सेटिंग की फाइल के अंदर हमें जो क्या करनी पड़ेगी, हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी. मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग ले लिया, ठीक है. कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर यहाँ पे कोई भी नाम आ सकता है, जैसे कि कौन सर्वर का नाम आ जाएगा, इनिशियल कैटलॉग मेरे पास डेटाबेस का नाम हम देंगे, और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी को हम करेंगे यहाँ से इक्वल टू रोल, ठीक है. ओके, सर्वर का नाम मेरे पास यहाँ से कॉपी होगा, कंट्रोल सी किया मैंने, ठीक है. उसके अलावा डेटाबेस का नाम मेरे पास ये रहा, कंट्रोल सी, यही इक्वल है, ठीक है. वी मॉडल पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आने के बाद राइट क्लिक करके एक बनाते हैं सिंपल सी क्लास, ठीक है. किसी भी नाम से जो है यहाँ पे हम क्लास बनाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय. और इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर मैं कुछ यहाँ पे कॉलम सेट कर रही हूँ. प्रॉपर्टी यहाँ मैंने ले ली, सबसे पहले एक आई डी की ले लिए, ठीक है. और इसके अपनी जो लाइब्रेरी उसको इम्पोर्ट किया है, प्रॉपर्टी ले ली. यहाँ से मैंने कह दिया इसको स्ट्रिंग, ठीक है, नेम, ठीक है. ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आगे जो है एसक्यूएल के अंदर कॉलम्स बनेंगे. दूसरा मैंने यहाँ पे ले लिया है, बैच ले लेते हैं, ठीक है. ओके, एम्प्लॉय की मेरी क्लास बन गई. इस एम्प्लॉय क्लास को हम कहाँ कॉल करते हैं, माई कॉन्टेक्ट्स की फाइल के अंदर जाके कॉल करते हैं. अगर मैं इसको कॉल नहीं करूंगी तो मेरी माइग्रेशन वगैरह तो बन जाएगी, लेकिन मेरा टेबल आगे नहीं पहुंचेंगे, ठीक है. तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं क्या करूंगी, स्टेप क्या है मेरा, यहाँ मैं इसको इनहेरिट करूंगी डीबी कॉन्टेक्ट्स की क्लास के साथ, ठीक है. देन मेरे पास यहाँ बनेगा एक कंस्ट्रक्टर, माई कॉन्टेक्ट्स जो मेरी क्लास का नाम है, सेम कंस्ट्रक्टर का नाम, डीबी कॉन्टेक्ट्स ऑप्शन, यहाँ मैंने उसको ऑप्शन दे दिया. बेस के कीवर्ड के अंदर हम यहाँ देंगे इसको ऑप्शन, ठीक है. एम्प्लॉय वाली जो क्लास है वो यहाँ पे कॉल होगी, जो हमने बनाई भी ऑलरेडी. यहाँ पे मेरे पास जो नाम दूंगी टेबल का नाम बन जाएगा आगे, गेट एंड सेट, ठीक है. कोड फर्स्ट अप्रोच का मेरे पास स्टेप कौन सा है, प्रोग्राम डॉट सी एस की फाइल में सर्विस एड करने के लिए मैंने यहाँ लिया है बिल्डर सर्विसेस डॉट एड डीबी कॉन्टेक्ट्स, यहाँ पे आपकी कॉन्टेक्ट्स वाली फाइल का नाम, ठीक है. माय कॉन्टेक्ट्स के अंदर हमने जो पास किया था ऑप्शंस, मैंने यहाँ पे लिया ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर, ठीक है. और इसके अंदर यहाँ से मैंने ले लिया है बिल्डर डॉट कॉन्फिग्रेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है. ऐप सेटिंग के अंदर मैंने जो नाम दिया था कौन, मैंने यहाँ पे इसको कॉल कर दिया. इसके बाद मेरे पास क्या चलेगी, कमांड चलेंगी, दो कमांड चलेंगी,
ठीक है, पहली तो मेरे पास चलेगी एड हाइफन माइग्रेशन, माइग्रेशन का मेरी कोई भी नाम जैसे कि माय, ठीक है। तो मेरे पास मेरे जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर मेरी अपनी माइग्रेशन का एक फोल्डर यहाँ बन जाएगा, मेरी यहाँ फाइल बन जाएगी जिसमें मेरा टेबल का नाम कॉलम्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कमांड हमारी कौन सी थी, अपडेट हाइफन डेटाबेस की कमांड थी। इससे क्या होगा कि हमारे जो टेबल्स हैं वो जो है वो आगे पहुंच जाएंगे, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर के अंदर। जाके देखें डेटाबेस को, मैंने यहाँ से ओपन किया है, मॉडल रिकॉर्ड, मॉडल रिकॉर्ड अपडेट टेबल्स, ठीक है। देखिए टेबल्स मेरे यहाँ पे आ गए, इसको यहाँ से हम करते हैं सेलेक्ट टॉप 1000 बॉस, और यहाँ पे मैं कुछ रिकॉर्ड हार्ड कोड इंसर्ट करवा रही हूँ। अगर आपको इंसर्ट वाला काम करना हो तो हम वो डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हैं कंट्रोलर के जरिए, ठीक है। फिलहाल मैंने यहाँ पे नेम और बैच के अंदर कुछ वैल्यूज यहीं पे स्टोर कर दी, जैसे कि सिंगल कोड के अंदर कोई भी, यहाँ पे मैंने नेम असाइन किया है, मैंने बैच ले लिया, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे आने के बाद मैंने इसके अंदर कोई भी एक नेम असाइन किया, ठीक है। ये मैंने कोई भी इसके अंदर वैल्यूज ले लिया, उसको मैंने यहाँ से रीलोड किया, ठीक है। चला कर देखें इसको, मेरे पास मेरे 2 रिपोर्ट जा चुके हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर के अंदर यहाँ पे मैंने राइट क्लिक करके एक ऐड किया है कंट्रोलर, ठीक है। किसी भी नाम का पहले तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करें, एम्प्लॉई आगे कंट्रोलर लिख देना ऐड, ठीक है। इस एम्प्लॉई के अंदर यहाँ पे जो माई कॉन्टेक्ट वाली जो फाइल है वो कॉल होगी, यहाँ पे कोई भी एक नाम मैंने असाइन कर दिया। कंस्ट्रक्टर बनेगा सेम नाम का, इसके अंदर माय कॉन्टेक्ट्स की फाइल आएगी, कोई भी यहाँ मैंने एक पैरामीटर पास किया, और मेरे पास ये जो माय कॉन्टेक्ट्स है ये इक्वल होगा माय के, ठीक है। अब पूरे प्रोजेक्ट में हम इसको यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करना है, अपने रिकॉर्ड को फैच करना है, जो मैंने अभी आपके सामने इंसर्ट किया था वहाँ पे हार्ड कोड, तो माय कॉन्टेक्ट्स डॉट टेबल का नाम डॉट टू लिस्ट। इससे क्या होगा मेरा जो रिकॉर्ड है वो लिस्ट की फॉर्म में फैच होकर आ जाएगा। इंडेक्स मैंने राइट क्लिक किया है, और इसका राइट क्लिक करके हम बनाएंगे एक व्यू, रिजर्व व्यू, ठीक है। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे क्या लिस्ट, मॉडल का नाम जिससे हमें रिकॉर्ड फैच करवाना है, और यहाँ पे हमारे टेबल सॉरी माय कॉन्टेक्ट्स की फाइल का नाम, इसको यहाँ से ऐड करें, ठीक है। तो मेरे पास देखिए फाइल बन गई, ठीक है। अब हम कहाँ पास करेंगे ताकि हमारा एम्प्लॉय के अंदर रिजेक्शन रिजल्ट इंडेक्स ये चले, इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जाएंगे, और यहाँ पर हम अपने कंट्रोलर का नाम देंगे, ठीक है। और एक्शन का नाम ऑलरेडी सही दिया हुआ, अगर किसी और नाम से आपने बनाया तो वो यहाँ पे नाम कॉल होगा, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से रन किया है, रन करने के बाद चेक करें, ठीक है। मेरे पास देखिए यहाँ पे ये रन पे है, मेरी वैल्यूज जो यहाँ पे पैच होके आ गई। अब मुझे ये करना है कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो सिंपल जो है वो पर हमारा पहला स्टेप तो ये है कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये जो स्टूडेंट है इसकी आईडी डेटाबेस से उठाए, जो कि क्या है 1 है, तो ये 1 मुझे कहाँ प्रिंट करके दे, कंसोल पर प्रिंट करके दे, ठीक है। पहला स्टेप तो मेरा ये है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो एडिट का बटन था ये मेरे पास कहाँ पे है, इंडेक्स के व्यू पर है, ठीक है। अगर मैं नीचे आऊँ तो ये रहा, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ यहाँ से इसको मैं हटा रही हूँ, 1 सेकेंड, ये रहा, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ऐसे रिमूव किया, और यहाँ पे मैंने टैग ओपन किया बटन का, ठीक है। बटन के टैग के अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है एडिट, इसको मैंने यहाँ से क्लास असाइन कर दिए BTN, BTN इनको, ताकि मेरे पास जो डिजाइनिंग प्रॉपर हो जाए। और मुझे क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद हर स्टूडेंट की अपनी आईडी होगी, मैंने यहाँ पे डेटा आईडी का एट्रीब्यूट लिया है एट द रेट आइटम डॉट आई डी, ये जो एट द रेट आइटम है ये लूप सा आ रहा है,
ये मेरे पास एसक्यूएल का कॉलम है, जो यहाँ पे नाम थे वही सेम नाम यहाँ देंगे। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको नीचे जेक्वेरी में कॉल करेंगे इस एट्रीब्यूट को, ठीक है। अच्छा, बटन की एक अपनी आईडी होनी चाहिए, तो मैंने बटन को यहाँ पे आईडी दे दी है एडिट btn, ठीक है। अच्छा, अब बनेगा इसका क्लिक, इस बटन का क्या बनेगा, मेरे पास क्लिक बनेगा। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने इसके अंदर ओपन किया स्क्रिप्ट का टैग, ठीक है, स्क्रिप्ट के टैग को हमने क्लोज किया। यहाँ पे मेरे पास क्या दे रहा है, लाइटन डज नॉट एग्जिस्ट इन दे, डेटा आईडी दिया है हमने यहाँ पे, मतलब सही है। अच्छा, इसका क्लिक बनेगा, ठीक है। तो इस आईडी को ऐसे आपने कॉपी करना है, नीचे लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने रेडी के फंक्शन को, जो जेक्वेरी के स्टार्ट करने का तरीका है, उसको यहाँ पे हम ओपन करेंगे। ये ठीक है, हमारी ये जो है क्या हो गई, जेक्वेरी स्टार्ट हो गई। जेक्वेरी स्टार्ट करने के बाद अब मैं बनाऊंगी बटन का क्लिक, डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक। क्लिक क्या, मैंने कहा कि जो बटन की आईडी थी, जब इस पर हम क्लिक करें हमारा क्या चले, फंक्शन चले। कंफर्म करना है आपको, तो पहले एक अलर्ट लगा कर देख ले कि ये अलर्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, चेक करें। देखिए, मैंने इस पर क्लिक किया। अच्छा, इसने हमारे पास प्रिंट नहीं किया है, डॉलर इज नॉट डिफाइंड, तो इसको ये मिल नहीं रहा। तो मेरे पास जो है वो हमने जेक्वेरी का सीडीएन नहीं लगाया है, इसकी वजह से मेरे पास इशू दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सीडीएन लगाएंगे। ठीक है, नीचे अगर देखें, मेरा सीरियल इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जो स्क्रिप्ट का टैग, जो हम जब अभी हमने काम किया है, ठीक है, उसके ऊपर लगेगा ये यहाँ, ठीक है। अब चेक करें, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए मेरे पास अलर्ट अब आ गया, ठीक है। अलर्ट लाने के बाद अब हमें क्या करना है, बटन पे हमने ये जो एट्रीब्यूट बनाया था इसको मुझे नीचे गेट करना है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, अलर्ट को हम यहाँ से करते हैं कमेंट, ठीक है। मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का, जैसे कि आईडी इक्वल टू डॉलर, ठीक है, दिस डॉट एट्रीब्यूट, ये हमारी शॉर्टकट है। यहाँ पर एट्रीब्यूट का नाम लिखोगे, और इसको कंफर्म करने के लिए आप अलर्ट पे या कंसोल डॉट लॉग पे जो वेरिएबल आईडी है इसको प्रिंट करवा के देख लो कि आ भी रही कि नहीं आ रही। देखिए, मैंने यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करके कंसोल को ओपन किया, क्लिक करें तो मेरे पास 1 आया, यहाँ पे क्लिक करने पे आईडी 2 जा रही है, इसका मतलब है सही जा रहा है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँ तो आईडी सही आ रही है। अच्छा, आईडी आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास अब बार बार प्रिंट करने की जरूरत नहीं, कंफर्म हो गया मुझे किस वेरिएबल के अंदर मेरी आईडी गेट होके सही आ रही, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या स्टार्ट किया, डॉलर डॉट एजेक्स को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है। और डॉलर डॉट एजेक्स के अंदर मैंने सबसे पहले लगाया यूआरएल, ठीक है। यूआरएल के अंदर मैंने यहाँ पे क्या किया, हमारे यहाँ पे जो कंट्रोलर का नाम है सबसे पहले तो वो आएगा, और उस कंट्रोलर के नाम के अंदर अभी हम बनाएंगे एक एक्शन रिजल्ट इस नाम का। उसके साथ मैंने क्या पास कर दी, हमारी जो आईडी आ रही थी ना उसको मैंने यहाँ पास कर दिया, ठीक है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइप मैंने बता दिया था, रिकॉर्ड हमारा जो टाइप होगी उसकी पोस्ट होगी, सक्सेस का चलेगा यहाँ पे फंक्शन, ठीक है।
और यहाँ पे जो है वो हमें इसके अंदर अभी काम करना है। इसमें काम करने से पहले हम क्या करते हैं, इस नाम का आई एक्शन रिजल्ट कंट्रोलर पे जाके बना लेते हैं। मैंने ऐसे लिया पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, ठीक है, किस नाम से बनेगा मेरे पास, गेट डेटा के नाम से बनेगा जो कि मैंने वहां कॉल किया, लेकिन उसमें बराबर में आईडी भी आ रही है, इसलिए यहाँ पे हम इसको पैरामीटराइज बनाएंगे। ये वहां पे हमने कॉन्केटिनेट करके आईडी भी भेजी थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सिंपल काम है, एक वेरिएबल बनाते हैं चेक इक्वल टू जो हमारे माई कॉन्टेक्ट की फाइल है, टेबल का नाम, उसमें हमें सब कुछ नहीं चाहिए, किसी एक का रिकॉर्ड चाहिए जिसकी आईडी मैच हो, जिसके बटन पर हम क्लिक करें हमें उसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए ना मोडाल पे, इसलिए यहाँ वेयर लगेगा, ठीक है। यहाँ मैंने कोई भी वेरिएबल लिया, लैम्डा ऑपरेटर एक्स, एसक्यूएल का कॉलम आईडी मैच हो हमारी इस आईडी के साथ, और ये वहाँ पे शुरू से लेके एंड तक चेक करें, ठीक है। अगर इसको सक्सेसफुली मिल जाता है इफ चेक, अच्छा अगर कंडीशन आपको लगानी है कि अगर लेट सपोज रिपोर्ट इसको नहीं मिला, इक्वल इक्वल अगर नल होता है तो मेरे पास कोई भी कुछ भी एक्शन परफॉर्म ना हो, लेकिन अगर मेरे पास रिकॉर्ड मेरा फाउंड हो जाता है तो मेरे पास जैसन की फॉर्मेट में रिकॉर्ड उठ के आ जाए, ये जो रिकॉर्ड आएगा वो इसके अंदर आएगा। तो ये जो वेरिएबल है इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ओके, ये तो मेरे पास चले होंगे, ठीक है, मेरे पास ये वाला पार्ट तो हो गया। इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे, ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें वापस उस पर आना है, हमारे पास अभी सक्सेस के फंक्शन पे हमने काम करना है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या किया है, वहां से जो भी रिकॉर्ड आएगा वो फंक्शन में आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एज अ पैरामीटर कोई भी हमें नाम आप असाइन कर सकते हो, जरूरी नहीं कि यही नाम हो, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ले लिया सबसे पहले एक मॉडल, तो मॉडल के लिए हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है, मॉडल हम यहाँ से ले लेते हैं बूटस्ट्रैप कोड से, यहाँ पे मेरे पास लॉन्च डेमो, ठीक है, इस तरीके का ले लेते हैं, उसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, ठीक है। लेकिन हमें ये बटन की जरूरत नहीं है, ये बटन हमारे पास ऑलरेडी है, सिर्फ मॉडल लेना है, कंट्रोल सी, ठीक है। इसको मैं कहाँ पेस्ट करी हूँ, टेबल के बाद चले पेस्ट कर लेते हैं। मॉडल की अपनी आईडी क्या है, इन लोगों ने दी हुई एग्जाम्पल मॉडल, तो आपने क्या करना है, एग्जाम्पल मॉडल की आईडी को मैंने यहाँ से कॉपी किया है और यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। हमें क्या बताना है कि अगर मेरा जो कोड है अगर वो यहाँ पे सक्सेस हो जाता है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो, मेरा जो मॉडल है वो ओपन हो जाए, तो मॉडल की जो आईडी थी वो यहाँ पे आएगी, डॉट मॉडल डबल कोटेशन में आप लिखोगे शो, ठीक है, शो, या आपको हाइट अगर लेट सपोज करना है तो यहाँ पे हाइट भी लिख सकते हो, फिलहाल हमें शो करना है। अच्छा जब मैं इसको रन करूंगी देखते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो ठीक है, अगर कोई नहीं आया तो ओके, ठीक है। मैंने कंसोल को ओपन किया जो कि जेक्वेरी के एरर कंसोल पे शो करेगा, मैंने इस पर क्लिक किया तो इसने मुझे एरर शो कर दिया। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि मैं चेक करूँ, तो आईडी मेरे पास यहाँ पे चेक करना, ये साथ में लेके जा रहा है, तो हमने गड़बड़ क्या की है, हमने यहाँ पे नहीं लगाया, स्लैश नहीं लगाया, ठीक है। अब देखें चलाकर, कंसोल को मैंने ओपन किया, इस पर क्लिक किया है, ठीक है, ओके, मॉडल मेरा आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ तक पहुंची है, तभी तो ये मेरा मॉडल शो हुआ, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये जो मेरे यहाँ पे लाइन्स ऑफ कोड आ रहे हैं इसको मैं यहाँ से जो है वो रिमूव कर रही हूँ, ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास मॉडल तो ओपन हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आने के बाद इसको हटाकर अपना बना लेते हैं एक फॉर्म, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया एक फॉर्म मेथड, इसका मैंने यहाँ पे इसको असाइन कर दिया है पोस्ट,
एएसपी एक्शन जिसपे अभी हमारा फिलहाल काम बाद में होगा, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे बनेगी इनपुट फील्ड, तो इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे ले लिया टेक्स्ट, ठीक है। नेम मैंने इसको दे दिया जैसे कि यूजर आईडी, और इसके आईडी भी साइन कर दें जो कि सेम कर लें यार, और चेंज भी करना है तो इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा वैसे ही सेम मैंने इसको ऐसे कॉपी किया, बी आर के साथ इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। यूजर आईडी, अगर आपको आईडी को रीड ओनली पे रखना है तो वो भी कर सकते हैं, यहाँ कर दें इसको रीड ओनली, ठीक है। अच्छा मैंने यहाँ क्या दिया इसको यूजर नेम, यहाँ भी सेम दे दें। मैंने अगेन कहा कि ये जरूरी नहीं है कि आप सेम दो, ठीक है। ये नेम देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि बाद में हमें इस नेम की जरूरत पड़ेगी जब हम रिकॉर्ड को अपडेट करवाएंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हमें आईडी की नीड है इसलिए मैं साथ में ही आईडी प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, ठीक है। यहाँ मैंने इसको कह दिया है यूजर बैच, ठीक है। और यहाँ पर भी हमने इसको असाइन कर दिया है यूजर बैच, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास सेव का बटन ये रहा, ठीक है। इसको रहने देते हैं लेकिन अभी चलेगा नहीं क्योंकि इसकी टाइप यहाँ पे सबमिट नहीं है, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि ये फॉर्म से बाहर है, फिर आप उसको फॉर्म के अंदर, तो इसको मैंने कंट्रोल एक्स करके डिप के बाद बंद किया, और इसको आप फॉर्म को यहाँ से कट करके इधर ले जाओ, ठीक है। अच्छा अब मैं फिलहाल इन आईडीज की जरूरत है, यूजर आईडी, यूजर नेम एंड यूजर बैच। नीचे आ जाए, यहाँ पे आने के बाद कुछ इस तरीके से होगा डॉलर। सबसे पहले तो मेरे पास यूजर आईडी ले लेता हूँ, यूजर आईडी डॉट वैल्यू, ये जो रिस्पॉन्स है इससे एसक्यूएल का कॉलम नेम, बल्कि हमें आप आईडी चाहिए ना तो आईडी, ठीक है। वैसे ही सेम मेरे पास यहाँ पे यही कोड होगा, लेकिन यहाँ पे इस बार आईडीज की चेंज होगी, यहाँ पे एसक्यूएल का कॉलम आएगा नेम, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे मेरे पास आएगा जो हमने ऊपर आईडी दिए, यूजर बैच और एसक्यूएल का कॉलम बैच, तो अब ये रिकॉर्ड लेकर आएगा लेकिन उसका जिसकी आईडी मैच होगी, ठीक है। चेक करें, नहीं मैंने इस पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास मोडाल पे रिकॉर्ड यहाँ पे सही आ रहा है। चेक करूँ अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास सेकंड जो आईडी आ रही है, अच्छा इसको हमने रीड ओनली रखा था इसलिए मैं इस पर टाइप नहीं कर सकती, यहाँ पे हम जो है वो कुछ भी इसके अंदर अपडेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मेरे पास सही चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो आप ये देख लेंगे कि भाई इस पर मैं अपडेट करूँ तो मेरे पास यहाँ पे जाके वो रिकॉर्ड को अपडेट भी कर दे, ठीक है। तो कनेक्टेड रहिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। थैंक यू।